हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, और वो टॉपिक कौन सा स्टूडेंट्स? रेजोनेंस। देखिए, यहाँ पर बॉन्ड पैरामीटर अपन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वही बातें मैं करने वाला हूँ। पर एक अपने पास में आज टॉपिक है रेजोनेंस, जरा ध्यान से समझ लेना कि रेजोनेंस होता क्या है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। रेजोनेंस को समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड में काम आ रहा है, बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो होता है वो बॉन्ड्स के थ्रू ही होता है। अब जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हो रहा है उससे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये जो प्रोसेस है इसको भी अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। अब ये रेजोनेंस जो पाया जाता है उसका मेन फीचर है क्या? देखो, टाइप ऑफ जो बॉन्ड है अपन ने मोस्टली देखा था, सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड अपन ने पढ़ा था, आपको याद होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। जैसे इस टाइप से मैंने कहा था कि ये वाला है, जैसे कार्बन कार्बन है, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन है, ये वाला कौन सा? एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा कौन सा स्टूडेंट्स? पाई बॉन्ड है। तो जहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो नॉर्मली देखा तो ये जो पाई बॉन्ड आपके पास में है ये मेन करेक्टर है किसका? रेजोनेंस का। इसका मतलब है रेजोनेंस करने के लिए क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर होना चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए, मस्ट भी। ये अपने पास में यहाँ पर मिल गया, मस्ट भी। किसी भी कंपाउंड अगर बात करें तो पाई बॉन्ड होना ही चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखिए डबल बॉन्ड का मतलब है क्या। देखो, सबसे पहले बात करें रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल मैं दूंगा, फिर आपको मैं डेफिनेशन के ऊपर लेकर के इसको आने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर रेजोनेंस का मीन है अपने पास में इस टाइप से, ये रहा आपके पास में रेजोनेंस। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये मेरे पास में एक मोलिक्यूल CO2, कौन है? CO2। नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन अपने पास में? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसको, CO2 मोलिक्यूल की स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं कैसे बनती है, C डबल बॉन्ड O। ये CO2 मोलिक्यूल, आप देखिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का एरो, जो दोनों डायरेक्शन में जाते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को नोट करते हैं। ओके, अब इस वाले में मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अगर ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाता है, यहाँ एरो, इसको बोलते हैं क्या? एरो। ये है फुल एरो, क्या कहलाएगा? फुल एरो। ओके, तो क्या बनेगा? देखो, ये वाला तो ऐसे कैसे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं है, ये वाला बॉन्ड किसके यहाँ चला गया, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक दो इलेक्ट्रॉन का मतलब होते हैं एक नेगेटिव चार्ज, कितना होता है? एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर के यहाँ चले गए तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो गई ना, क्या हो गई? डिफिशियंसी हो गई है। अब डिफिशियंसी हो गई है तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जहाँ पर इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई है वो क्या, कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब देखो, यहाँ पर जैसे ये यहाँ से यहाँ पर गया है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी तो यहाँ जा सकता है कि नहीं? पॉसिबिलिटी है कि नहीं? इसका मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन तो ये थी, नॉर्मल कंडीशन में एक अपने ने ये पढ़ा दिया, सेकेंड वाला हम मैं कह रहा हूँ ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता था, ये वाला भी जा सकता है यहाँ पर, ये वाला भी तो यहाँ पर जा सकता था। जैसे ये यहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव पे आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। कार्बन के बीच में ये हो गया भाई नेगेटिव, इस वाले के बीच में यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे कैसे? ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव कहाँ कहाँ माइग्रेट हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या रहा है, यहाँ एक बार ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव आ गया, एक बार यहाँ पर आ गया, बॉन्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, बॉन्ड माइग्रेट कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? माइग्रेट। ये अपने पास में बन गई तीसरी स्ट्रक्चर। देखो, एक ही मॉलिक्यूल था CO2 मॉलिक्यूल, और CO2 मॉलिक्यूल जो था उसको मैंने अलग अलग टाइप से लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया इसको इस प्रकार से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो राइटिंग वाला प्रोसेस है, लिखने का जो अपने पास में इसको मेथड है, ये जो सभी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ये जो अपने लिखने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस बोला जाता है स्टूडेंट्स। ये रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस से अपन देखें तो तीनों को अगर स्ट्रक्चर को एक मिला दें, ये स्ट्रक्चर ऐसी है अपने पास में, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन एटम। यहाँ कौन घूम रहा है? ये डबल बॉन्ड यहाँ से और डबल बॉन्ड यहाँ तक, इस प्रकार से ये जनरेट हो रहा है।
इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ कौन सा चार्ज सेपरेट हो रहा है इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ देखे तो अपने पास में इस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, सेपरेट यहाँ पर हो रहा है। इस वाले में देखे तो नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन यहाँ पर दोनों एटम्स के बीच में पाया जा रहा है, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ये अपने पास में कहलाएगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहलाता है। ओके, ये मैन फीचर यहाँ पर रहा है रेजोनेंस का इफेक्ट। अगर देखें तो दूसरा एक एग्जाम्पल आपके पास में है, देखो CO2 के बाद देखे तो बेंजीन, कौन है बेंजीन, नाम सुना होगा 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये है बेंजीन। क्या ये बेंजीन, इसमें पाई बॉन्ड है क्या, हाँ पाई बॉन्ड है। कई जगह आप ये भी देखते हो बेंजीन को आपने ऐसे भी लिखा होगा, ये रहा बेंजीन यहाँ पर, और इस बेंजीन का डबल बॉन्ड कभी यहाँ लगा दिया, कभी यहाँ, कभी यहाँ, देखो बॉन्ड की पोजिशन बदल गई। यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर था, अब ये बॉन्ड यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर है, ये बॉन्ड देखो चेंज हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ये बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस यहाँ पर पाया जा रहा है, यानी पाई बॉन्ड का जो माइग्रेशन होता है उससे बनने वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोला जाता है। किसकी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी जो होती है वो किसकी होती है, ये प्रॉपर्टी बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो वीडियो अपने पास में है इसके लिए मैंने आपके लिए एक नया चैनल बनाया है, चैनल का नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जरा उसको देखना, उसका नाम है डायमंड क्रिस केमिस्ट्री, डायमंड क्रिस केमिस्ट्री क्लास। अगर आपको ऑनलाइन यहाँ से स्टडी करना है स्टूडेंट्स, तो ये वाला मेरा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से आपको और भी वीडियो हैं इससे रिलेटेड है, या कंपटीशन बेस्ड रिलेटेड वीडियो है, IIT वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो डायमंड क्रिस केमिस्ट्री क्लास के ऊपर आपको वहाँ पर ये वीडियो अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पर लाइव वीडियो भी आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको वहाँ पर अपडेट करने वाला हूँ। तो जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासों के बाद अगर ऑफलाइन क्लासे हैं तो आप वहाँ से भी इस टॉपिक को अगर देख सकते हैं, ये है चैनल है, इसको आप नोट करें, साथ में आपके स्टूडेंट जो साथ वाले हैं उनको भी आप हैं उनको बताएं, ताकि वहाँ उनको भी इनको फ़ायदा मिल सके। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।